हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश, वेलकम्स यू इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपको आज का जो डेली क्विज है अमेजोन का, वो आपको दिखाएंगे कि उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस हैं और उसके सही आंसर क्या हैं, और फिर जो प्राइस है उसके अंदर वो क्या है। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से आप डायरेक्ट चलिए, या नहीं तो यहाँ पर सर्च बार में फनजोन टाइप करके आप सर्च कीजिए। उसके बाद सबसे ऊपर एक फनजोन का टैब आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए, ये जो है आज का हमारा डेली क्विज शो कर रहा है। यहाँ पे आंसर दे करके आप डेल का इंस्पिरॉन 55393 मॉडल है लैपटॉप आप जीत सकते हैं। ठीक है, डेल का एक लैपटॉप है इंस्पिरॉन 55593, वो आप जीत सकते हैं यहाँ पे। तो आइए इसको खेलते हैं, इसके अंदर देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। इस पर क्लिक करना होगा, फिर स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा। फिर फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है ऑन April 1, 2019 द नीदरलैंड्स विंग ऑफ विच कंपनी अनाउंस्ड दैट इट हैड डेवलप्ड अ प्रोडक्ट दैट अलाउड अ यूजर टू टॉक टू अ टुलिप। मतलब 1 अप्रैल को नीदरलैंड विंग के ऑफ विच कंपनी दैट हैड डेवलप्ड अ प्रोडक्ट दैट अलाउज अ यूजर टू, मतलब यूजर को टॉक टू अ टुलिप यानी कि बात करने के लिए बोलता है। तो ये जो है गूगल है, गूगल अपना ये लॉन्च किया था, गूगल टॉक भी बोल सकते हैं इसको हम। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, बोल रहा है विच फॉर्मल वाइस प्रेसिडेंट बोर्न ऑन 1 अप्रैल, मतलब कौन सा जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका जन्म जो हुआ था 1 अप्रैल को, वाज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द UN। मतलब UN में वो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे। ठीक है, कब से कब तक, जनवरी 1993 से जनवरी 1995 तक। ये जो है हामिद अंसारी, मतलब मोहम्मद हामिद अंसारी जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट भी थे इंडिया के, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि विच फॉर्मर इंडिया इंटरनेशनल वाज द हेड कोच ऑफ बंगाल टीम दैट मेड इट टू द फाइनल 2020 रणजी ट्रॉफी। मतलब 2020 का जो रणजी ट्रॉफी का फाइनल हुआ, उसमें बंगाल की टीम के कोच कौन थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है अरुण लाल, अरुण लाल इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, बोल रहा है कि विच फेमस कॉमेडियन बॉर्न ऑन 2 अप्रैल 1 केम टू परफॉर्मेंस आफ्टर विनिंग द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज इन 2007। मतलब 2007 में ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज उन्होंने जीता था, और 2 अप्रैल को उनका जन्म हुआ। तो ये जो है कपिल शर्मा है, तो कपिल शर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि 24th मार्च गूगल लॉन्च्ड अ डूडल सेलिब्रेटिंग बैन एम आई स्ट्रीट फूड सैंडविच ऑर्गेनाइजिंग ओरिजिनेटिंग इन विच कंट्री। तो 24 मार्च को एक स्ट्रीट फूड सैंडविच के लिए डूडल बनाया था उन्होंने। तो ये जो है कौन से कंट्री में ओरिजिनेट हुआ था, तो इसका जो सही आंसर है वो है वियतनाम, वियतनाम इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने पांचों क्वेश्चंस का सही जवाब दे करके यहाँ पे देखिए, वेल डन, यू आर एलिजिबल टू विन डेल इंस्पिरॉन 55593 लैपटॉप। विनर जो है 30 अप्रैल को अनाउंस होगा। तो आप भी खेलिए और आप भी इस ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर लीजिए। तो अगर आपको प्रीवियस किसी कॉन्टेस्ट के विनर का नाम जानना है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।